बैतूल हरता के सांसद दुर्गादास उइके ने राष्ट्रीय राजमार्ग 69 का औचक निरीक्षण, सड़क व पुलिया निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों के साथ ठेकेदार को समय सीमा में काम पूरा करने का आदेश दिया ताकि बारिश के समय आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र के सांसद दुर्गादास उइके ने राष्ट्रीय राजमार्ग 69 की जिले की सीमा की निर्माणाधीन सड़क तथा पुल पुलियाओं का सघन निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सांसद उइके ने शनिवार को NHAI के अधिकारियों तथा निर्माणकर्ता एजेंसी के अधिकारियों के साथ जिले की सीमाधार से राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर बनने वाली पुल पुलियाओं का निरीक्षण कर कार्य में हो रही देरी के लिए नाराजगी व्यक्त की। साथ ही 30 जून तक सुखी और धार नदी की पुलिया निर्माण कार्य को पूरा करने का आदेश दिया। जो अपना ये हाईवे है, मैं लगभग धार से लेके यहाँ तक पूरी सड़क का अवलोकन करते भी आया कि जो पुल है जिसकी वजह से वर्षा ऋतु में यातायात बाधित होता था, तो मैंने सारे अधिकारियों को, ठेकेदार को, सारे लोगों को बुलवा कर उनको सख्त निर्देश दिए कि ये यथाशीघ्र ये बने। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि 30 तारीख तक, उनको अंतिम मैंने समय सीमा दी कि 30 तक ये दोनों पुलिया चालू हो जाएं ताकि हमारे सारे भाई बहन सारे आवागमन निर्बाध गति से और वो बनेगा। ऐसा करिए क्या हुआ, ये ढाई महीने से चूँकि कोरोना की वजह से सारे काम बाधित रहे, उनके दो इंजीनियर और भी जो है दिवंगत हो गए, घरों में लोगों की भारी परेशानी है, जिसकी वजह से ढाई महीने काम अवरुद्ध रहा। जहाँ जहाँ भी हमने कहा ये सड़क हम अवलोकन करते हैं, जहाँ जहाँ भी कोई दिक्कत है, अगर उसमें कोई भी अगर जब भी खबर लगाओ किसी भी प्रकार की उसमें अनियमितता या कहीं भी गलत कार्य होगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे।